सुनी वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष मोहम्मद इरशादुल्लाह ने कहा कि मुख्यमंत्री जी के पहल पर यह मीटिंग बुलाई गई थी। मीटिंग अच्छी हुई। उन्होंने कहा कि जो संशोधन किए जा रहे हैं उसमें जो कमियां हैं उसे केंद्रीय मंत्री ललन सिंह जी को अवगत करा दिया गया है। आगे जेपीसी में उन मुद्दों को रखा जाएगा। 2024 जो हाल पे इन आड़ी चर्चाएं हुई, खासतौर से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार आज ये बैठक हुई। उनकी इच्छा है कि अमेंडमेंट बिल 2024 जो आया है इसमें थोड़ा सा जितनी भी हमारी तंजीमें हमारे अकेली समाज को जहां जहां ऑब्जेक्शन है उसको दूर किया जाए। हमारे माननीय मंत्री ललन बाबू ने इसमें सहमति इनपुट की है और ये ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में इस वक्त स्टेट का जो संशोधन होगा उसमें जितने भी मेम्बरान हैं उनसे बात हमारे ललन बाबू जो हमारे भारत सरकार के मंत्री हैं वो इस पर चर्चा करेंगे, बात करेंगे। कमियां नजर आई, आप कमियों के बारे में जानकारी दी गई, मंत्री से भी मिले आप? वो सारा आश्वासन हमारे मुख्यमंत्री ने भी दिया है कि जहां तक होगा इस अमेंडमेंट बिल में जो त्रुटियां हैं उसको खत्म की जाएगी। और आज भी हमारे माननीय मंत्री ने जो ये आश्वासन दिया है कि इसको ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में रख करके जो जो ऑब्जेक्शन है उसको दूर किया।